दूसरी कक्षा विषय में हम रिवीजन कर रहे हैं और आज का पाठ है पाठ 8 जो कि कविता है उसका हम रिवीजन देखेंगे। कविता के रिवीजन में कविता के प्रश्न उत्तर और साथ में व्याकरण जो है उसका भी रिवीजन आप आज ही हम करेंगे। तो सॉरी देखिए शुरू करते हैं कविता पाठ्यपुस्तक की दिखा दे पेज नंबर 448 पर कविता है पाठ 8 चिड़िया के बच्चे। कविता का नाम क्या है चिड़िया के बच्चे। तो देखिए कविता आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं फिर से एक बार दूसरी बार हो रहा है रिवीजन कर रही हूँ। एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकली पंख पसार। एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम आए उत्तर से दक्षिण आए। देखिए पेज नंबर 48 पर एक पेड़ पर एक घोंसला बताया है। घोंसले में चिड़िया है और चिड़िया के बच्चे हैं। देखिए उसके चार बच्चे हैं। चिड़िया के कितने बच्चे हैं चार बच्चे हैं। एक चिड़िया के बच्चे चार मैं तुम्हारी रक्षा
जा रहा है। माँ ने बच्चों से क्या कहा? माँ ने बच्चों से यह कहा, आ जाओ बच्चों मेरे पंखों के नीचे, मेरे पैरों के नीचे, मैं जाऊंगी तुम सो जाओ आपके बीच। और आगे प्रश्न है, चिड़िया ने घर को क्या कहते हैं? आपको पता है चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? घोंसला। चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? घोंसला। ये हो गया प्रश्नों के उत्तर। अब गलत और सही पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए, एक चिड़िया ने बच्चे चाहे, सही या गलत? सही। उत्तर से पश्चिम आए, गलत। पूर्व से पश्चिम आए, अपना घर सबसे प्यारा, सही। किसका है यहाँ?